चाहिए और किस तरीके से उसको संरक्षित करना चाहिए, यही आपका साइलेज है, यानी कि पशुओं का अचार है। अचार के रूप में धीरे धीरे चारा दिया जाता है और लगभग न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है साइलेज की वो हरे चारे से ज़्यादा कम नहीं होती, लगभग 80% न्यूट्रिशनल वैल्यू साइलेज की बनी रहती है। मतलब आप समझे हैं, नहीं समझे हो तो हम बताएं। जैसे हरा चारा है उसमें जो भी हरे चारे में पोषक तत्व हैं, साइलेज में उसके पोषक तत्व बहुत ज़्यादा कम नहीं होते हैं। लगभग हरे चारे के 80% न्यूट्रिएंट्स हमें साइलेज से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है साइलेज बनाते किसके हैं। तो साइलेज देखिए, जिन गड्ढों में साइलेज बनाई जाती है उन गड्ढों को पहली बार साइलोपिट कहते हैं या इनसाइलिंग कहते हैं। ठीक है, और साइलेज जो है उन फसलों की बनाई जाती है जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। साइलेज किन फसलों की बनाई जाती है? साइलेज उन फसलों की बनाई जाती है विद्यार्थियों जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का मतलब अगर हम कहें स्टार्च की मात्रा भी ज़्यादा हो, है ना, जैसे मिठाई शुगर भी ज़्यादा होती है, जैसे आप देखिए मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें क्या है, इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा उसी की हम साइलेज बनाएंगे। साइलेज को हम स्टोर करते हैं साइलोपिट में, हमने बताया था। साइलोपिट में थोड़ा फर्मेंटेशन होता है। क्यों होता है फर्मेंटेशन? पहली बात, जितना कम फर्मेंटेशन हो उतना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ज़्यादा कहीं फर्मेंटेशन हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो है सड़ जाएगा चारा। अब देखिए, ऊपर से इसको जो है पन्नी वन्नी से ढाक के इसमें गोबर से लीप दिया जाता है, इसको क्लियर कर दिया जाता है, जिससे कि कहीं से भी हवा ना जा पाए। एक ध्यान विशेष रखा जाता है साइलो पिट में, साइलो को गड्ढा बनाते समय, कि किसी भी जगह से इसमें जो है हवा ना जाए। अगर हवा चलेगी साइलो पिट में तो फिर क्या होगा कि एरोबिक बैक्टीरिया इन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एरोबिक बैक्टीरिया जो वायुजीवी जीवाणु है उसके एक्टिव हो जाने से क्या होगा, हमारी सड़न उत्पन्न हो जाएगी, किडबन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा आप चारा देखते देखते सड़ा देंगे, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारा जो है साइलो पिट होना चाहिए वो एयर कंडीशन, मतलब एयर टाइट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की वायु नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका साइलेज हो गया। अच्छे साइलेज, सबसे अच्छे साइलेज का पीएच मान जो होता है, एक और बेसिक बात ये है, देखिए एक बात बता दें आपको कि साइलेज में जो नमी है, नमी देखिए 60-70% होती है। कितनी होती है ये ध्यान देना, 60-70% नमी रखते हैं और 30-40% इसमें जो है शुष्क पदार्थ रहता है, ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ। साठ से 70% नमी है, 30-40% शुष्क पदार्थ है, इसकी क्या बनाई जाती है, साइलेज। अगर कभी कभी साइलेज में नमी की मात्रा 40-50% रखी जाती है, देखिए ये सामान्य दशाओं में साइलेज की मात्रा है। अगर कभी कभी, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, अगर कभी कभी इसमें नमी जो है हम 40-50% रखते हैं, 40-50% नमी रखते हैं, तो इसे हम हेलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेज कहते हैं, साइलेज नहीं कहते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं? हेलेज कहते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि सामान्यतः साइलेज में नमी 60-70% होती है। अगर कभी कभी जो है इसमें 30-40% शुष्क पदार्थ मिल जाता है, सामान्यतः क्या होता है कि 60-70% नमी और 30-40% जो होता है वो शुष्क पदार्थ होता है। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी नमी जो है 40-50% ही रहती है तो वो साइलेज ना होकर कहलाती है हेलेज। क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं हेलेज। ठीक है, तो विद्यार्थियों उसको हम क्या कह देते हैं? हेलेज कह देते हैं। तो बस इतने ही पॉइंट आपको याद करने हैं। साइलेज की कई विधियां होती हैं। पिट साइलेज होता है, ट्रेंच साइलेज होता है, टावर साइलेज होता है। पिट का मतलब साधारण गड्ढा और साइलेज, गड्ढा बनाया चारा भर दिया, साधारण साइलेज, पिट साइलेज हो गया। ट्रेंच साइलेज थोड़ा ट्रेंच गड्ढा तिकोना टाइप का होता है, मतलब इस तरीके से होता है।
कि ऊपर की तरह थोड़ा मुंह खुला होता है, नीचे की तरफ थोड़ा मुंह डाउन होता है, तो ये ट्रेंच है ना, ट्रेंच साइलेज हो गया। एक टावर साइलेज होता है जो ऊपर तक निकाल दिया जाता है, तो टावर साइलेज, इनका आपको कंपटीशन में आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। केवल ये पूछा जाएगा किन किन फसलों का साइलेज बनाया जाता है, साइलेज में नमी कितनी होती है, शुष्क पदार्थ कितना होता है, एलेज क्या होता है, साइलेज के गड्ढे को क्या कहते हैं, साइलोपिट या इनसाइलेज कहते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा। या साइलेज का पीएच मान कितना होना चाहिए, साइलेज कितने दिन में बनकर तैयार होता रहती है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो विद्यार्थियों हम बताते हैं आपको, साइलेज जो होती है 45 से 60 दिन में, 45 to 60 डेज में जो है बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, 2 महीने में लगभग साइलेज 2 महीने के बाद बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अब बात आती है ए, ठीक है, अब किसकी बात आएगी, अभी हम बता रहे हैं, इसमें अभी दिखाएंगे आपको पीपीटी जो बना हुआ है। हे में क्या होता है कि हे जो होती है साइलेज और हे में अंतर है, हे को सड़ने के ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें नमी जो होती है लेस देन 18% होती है, इसमें हे में, ठीक है, और नमी जो होती है 18% से कम होती है, ड्राई मैटर अधिक होता है, और ये लगभग भूसा समझिए इसे, या हे जो होती है वो घासों की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, हे जो होती है वो किसकी बनाई जाती है, हे घासों की बनाई जाती है। हे का संबंध सीधा सीधा घासों से है। अब घासों में अगर हम देखेंगे तो आपकी जो है रिजिका से बनाई जाएगी, है ना, रिजिका से बनाई जाएगी, बरसीम से बना दी जाएगी, बरसीम, जई, जौ, है ना, जई से भी बनाई जाती है जौ। तो ये सब क्या हो गई आपकी, हे बन गई। ठीक है, क्या बन गई, हे बन गई। इन फसलों से आपकी हे बनाई जाती है, तो यानी कि घास वाली फसलें होनी चाहिए या जिनमें नमी जो है लेस देन 18% रखें, 18% से कम नमी होती है, लेस देन 18% मॉइस्चर कंटेंट इन हे, मॉइस्चर कंटेंट इन हे, कंटेंट इन हे, तो हे में जो नमी होती है वो 18% से कम रखी जाती है। कितनी कम रखी जाती है, 18% से कम जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो किसमें होता है, वो हे में होता है। ठीक है, 18% से कम मॉइस्चर किसमें होता है, हे में होता है। तो इतनी चीजें आपको जो है याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो बात आएगी वो डेयरी फार्म के विषय में आएगी, डेयरी फार्म हमको कैसा बनाना चाहिए, है ना, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, किस समय उसमें जो है क्लीनिंग करनी चाहिए, है ना, तो ये सारी चीजें अभी आपको जो है बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं साइलेज में हरे चारे के सभी तत्व विद्यमान होते हैं, लगभग, है ना, सभी का मतलब लगभग सभी तत्व, 80 से 90% तक तत्व जो है विद्यमान होते हैं हरे चारे के। साइलेज बनाने की प्रक्रिया को साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, साइलोइंग लिखा हुआ है या इनसाइलिंग कहते हैं। साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं, साइलोइंग या इनसाइलिंग। देखिए इसको बनाते समय इसमें नमक डाल दें तो और अच्छा रहता है, क्योंकि नमक जो होता है ये प्रिजर्वेटिव होता है, नमक का काम होता है संरक्षक, है ना, संरक्षक, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है, संरक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये इसमें साइलोइंग या इनसाइलिंग जो होता है, ठीक है, बनाने की प्रक्रिया जो साइलेज की होती है उसे हम साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब कम नमी युक्त चारे से साइलेज बनाया जाता है तो इसे हेलेज कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जिस साइलेज में नमी की मात्रा 40 से 50% होती है उसको हम हेलेज कहते हैं, यानी कि जिस साइलेज में नमी की मात्रा 40 से 50% तक ही होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेलेज कहते हैं। ठीक है, जिस चारे में नमी की प्रतिशत मात्रा 40 to 50% होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हेलेज कहते हैं। ठीक है, और जो साइलेज बनाने की प्रक्रिया है इसको हम साइलोइंग या इनसाइलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और साइलेज बनाते समय इसमें कभी कभी जो है हमको जो है साधारणतया नमक भी 5% के करीबन मिला लेना चाहिए, जिससे कि नमक जो होता है ये प्रिजर्वेटिव के रूप में, संरक्षक के रूप में काम करता है। चलिए आगे,
अगला है साइलो की प्रकार। साइलो का मतलब होता है जो साइलेज के गड्ढे, साइलो, ठीक है, साइलो, इसके जो गड्ढे होते हैं है ना, इनके क्या क्या प्रकार है। एक तो पिट साइलो होता है, ठीक है, गड्ढा साइलो। दूसरा खाई साइलो, गड्ढा यानी कि बना देते हैं, देखिए, या तो गड्ढा ज्यादातर वैसे गोल बनाना चाहिए, साइलेज का गड्ढा जो होता है वो गोल बनाना चाहिए। गोल इसलिए बनाना चाहिए जिससे कि उसको जो है दाबने में आसानी रहे और अंदर वायु कम, उसमें स्पेस, जैसे इस तरीके से गोल गड्ढा बनाया तो इसमें साइलेज ये भरी हुई है, इसको दबा दिया, यानी कि अंदर जो है यहाँ पर एयर ना रहे, वायु ना रहे, है ना, क्या ना रहे, वायु ना रहे। अगर वायु ना रहेगी, ठीक है, अगर वायु रहेगी, अगर वायु इसमें अंदर रहेगी तो क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा, किडवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर वायु रहेगी तो यहाँ क्या हो सकता है, किडवन हो सकता है, फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए वायु इसमें से निकाल देते हैं। तो अब्सेंट ऑफ वायु यानी कि वायु की अनुपस्थिति में एक क्रिया यहाँ पर जो है बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, एनारोबिक कंडीशन बना देते हैं, और एनारोबिक कंडीशन जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाएगी और ये जो है कवक का निर्माण नहीं होने देती है, ठीक है, ये स्थिति होती है। तो पिट साइलो होती है, खाई साइलो होती है, टावर साइलो होती है। तो देखिए पिट साइलो में एक तो ये सबसे अच्छा है, गोल गड्ढा होना चाहिए। अगर गड्ढा आपने कोने वाला बना दिया, जैसे ऐसे ऐसे कोना निकला हुआ है उसमें चार इस तरीके से, तो कोने वाले गड्ढे में क्या होगा कि कोनों में जो है चारे को हम दाब नहीं पाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं हवा जो है उपस्थित रहेगी, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर उपस्थित रही तो जो है सड़ाव का कार्य बहुत तेजी से एरोबिक बैक्टीरिया करेंगे, इसमें वायुजीवी बैक्टीरिया सड़ाव का काम तेजी से कर देंगे, तो हमारी साइलेज जो है वो सड़ सकती है। तो इसलिए ज्यादातर प्रयास यही करना चाहिए कि वहां पर जो है वायु ऑक्सीजन ना रहे, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में जो है यहाँ पर सड़ाव उत्पन्न नहीं होगा। एक खाई साइलो होती है, खाई साइलो में देखिए ट्रेंच साइलो में ये होता है कि ऊपर जो होता है जैसे 29 सेंटीमीटर हमने चौड़ाई रखती है एक एग्जांपल, और नीचे की तरफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि नीचे की तरफ चौड़ाई कम हो जाएगी इस तरीके से और ऊपर की तरफ चौड़ाई जो है ज्यादा रहेगी, उसको हम कहते हैं क्या, ट्रेंच साइलो, ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रेंच साइलो कहेंगे, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है जिन फसलों से साइलेज बनाना हो उनमें शुष्क पदार्थ 30 से 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी देखिए ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए एक सिक्का है हमारे पास ये, है ना, इसको चाहे चित करिए चाहे पट करिए, चित करिए या पट करिए का मतलब कि एक तरफ 100 नंबर का हमें ये लेना है सिक्का, 100% का, है ना, और इसमें जो है 30 से 40% अगर शुष्क पदार्थ हो गया, कितना हो गया, 30 से 40%, तीस से 40% इसमें शुष्क पदार्थ होता है और 60 से 70% इसी में क्या होता है, नमी होती है। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हुए कि नहीं हुए, एक ही सिक्के के दो पहलू हुए, इसीलिए उनको बताया जाता है एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए इसमें 30 से 40% जो है वो शुष्क पदार्थ हो गया और 60 से 70% जो है नमी हो, शुष्क पदार्थ। ये हो गया शुष्क पदार्थ, ठीक है, ये हो गया इसमें नमी, ठीक है, तो 30 से 40% शुष्क पदार्थ हो गया और 60 से 70% जो है नमी हो गई। तो हमने बताया था कि एक ही सिक्के के दो पहलू में 100% वाले भाग में शुष्क पदार्थ 30 से 40% हो गया और जो है नमी हो गई वो 60 से 70% हो गई। यही स्थिति उसमें रहती है, किसमें रहती है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, देखिए जिन फसलों में, अब देखिए हे की अगर बात करें तो हे में देखिएगा, यही अगर गोला हे में बना देते हैं, मान लीजिए हे का गोला है, तो इसमें नमी 18% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये नमी है, और शुष्क पदार्थ जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा शुष्क पदार्थ कितना हो जाएगा, 82% क्या हो जाएगा, शुष्क पदार्थ हो जाएगा,
ठीक है। तो ये भी एक ही सिक्के का पहलू है, यानी कि सूखा पदार्थ इसमें अब बढ़ जाएगा क्योंकि ये ए है, ठीक है। नमी 18 से अधिक नहीं बताया था हमने, और तो शुष्क पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है इसमें जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो उनकी साइलेज बनाई जाती है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, जैसे कि ज्वार, मक्का और जई, ठीक है। ज्वार, मक्का, बाजरा, बाजरा अगर कह दें तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उनकी क्या बनाई जाती है, उनकी साइलेज बनाई जाती है। थोड़ा कम कर दीजिए बहुत ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें फसलों में, जिन फसलों में कार्बोहाइड्रेट अधिक होती है उनकी क्या बनाई जाती है, उनकी साइलेज बनाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, साइलो को भूमि में ऊपर तक भर देते हैं। साइलो, साइलो का मतलब जो साइलेज का गड्ढा है उसको, देखिए इस तरीके से, जैसे ये गड्ढा है कोई साइलेज का और ये मृदा की सतह है, सॉइल की सरफेस, सॉइल की सरफेस, ये सॉइल की सरफेस है, मृदा की सतह है और ये गड्ढा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो साइलेज भरेंगे वो यहाँ तक भर देंगे इस तरीके से, और गड्ढे को इस प्रकार से पॉलीथीन से जो है ढक देंगे। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब थोड़ा बहुत तो इसमें फर्मेंटेशन हो गई होगा, ये देखिए थोड़ा बहुत इसमें क्या होगा, किण्वन होगा ही होगा, और जब इसमें किण्वन थोड़ा बहुत होगा तो ये नीचे की तरफ बैठेगा, तो नीचे जितना भी बैठे लेकिन सॉइल की सरफेस तक ही आ जाए या इससे थोड़ा ऊंचा बना रहे, जिससे कि यहाँ पर बरसात का पानी जो है वो जमा ना हो सके, या पानी जो है, या पानी बरसात मान लें, बरसात मान लें या पानी मान लें, कुछ भी मान लें, पानी इसके ऊपर ना आए और पानी जो है इधर उधर निकल जाए, नहीं तो पानी अगर इसमें चला गया तो हमारी पूरी की पूरी सॉइलें खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्थिति होती है, इसलिए इसको जो है ऊपर तक भर देते हैं, है ना, जिससे किण्वन के फलस्वरूप साइलेज भूमि की परत तक आ जाए, है ना। किण्वन के फलस्वरूप यानी कि किण्वन हुआ भी तो साइलेज कहाँ तक आ जाए, भूमि की परत तक आ जाए, नीचे ना बने गड्ढा, नहीं तो गड्ढे में पानी भर जाएगा तो साइलेज खराब हो जाएगी, इसीलिए उसको ऊपर तक भरा जाता है, ये जो है टेक्निक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, साइलेज वाली फसलों में नमी 60-70% होती है, होनी चाहिए या होती है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम बता चुके हैं आपको। चलिए आगे अगला है, साइलेज जो होती है 45-60 दिन में बनकर तैयार हो जाती है, कितने दिन में, 45-60 आप कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं 2 महीने, कभी कभी 2 से 3 महीने भी कहीं लिखे हो सकते हैं, 2 महीने, ठीक है। कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है साइलेज, 2 महीने, ठीक है। अच्छी साइलेज का पीएच मान जो होता है 3.5 से 4.2 होता है, है ना, अच्छी साइलेज का पीएच मान जो होता है 3.5 से 4.2 होता है। इसके बाद लिखते हैं, देखिए एसिडिक कैसा है, एसिडिक है, और हमने बताया था कि अचार है, अचार कैसा होगा, अम्लीय तो होगा, कैसी होगी साइलेज, अम्लीय होगी, और हमने बता दिया था पहले ही ये अचार है, तो अचार कैसा हो गया, अम्लीय हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो एसिडिक रहता है, 3.5 से 4.2 पीएच रेंज का होता है। अगली बात करते हैं अब इसमें, कि साइलेज साइलोपिट में 70-80% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फफूंदी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि एक मोल्ड सा आता है इसमें, 70-80% कार्बन डाई की उपस्थिति में फफूंदी उत्पन्न नहीं होती, नहीं होती है, है ना, ये लिखना है यहाँ पर, उत्पन्न नहीं होती, ये इसको मेंशन कर लीजिए थोड़ा, 70-80% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फफूंदी उत्पन्न नहीं होती,
ठीक है, क्योंकि फफूंदी उत्पन्न नहीं होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो फफूंद लगने की संभावनाएं जो होती हैं वो कम हो जाएंगी, जिससे कि हमारी साइलेज सड़ेगी नहीं। अगर फफूंद लग जाएगी बेटा तो साइलेज सड़ जाएगी, है ना, तो इसीलिए जो है फफूंदी उत्पन्न नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, हो पाती नहीं हो पाती, ठीक है। तो साइलोपिट में 70-80% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में फफूंदी उत्पन्न नहीं हो पाती, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ेगी साइलोपिट में तो उतना ही अच्छा है, ऑक्सीजन की बढ़ेगी तो उतना ही खराब है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उसमें क्या हो जाता है कि एरोबिक कंडीशन में बैक्टीरिया काम करने लगता है और यहाँ पर फर्मेंटेशन हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा और हमारा जो साइलोपिट है उसमें सड़ाव उत्पन्न हो जाएगा, सड़ाव से जो है फिर हमारी पूरी की पूरी साइलेज जो है खराब हो। चलिए अगला है हे बनाना, ठीक है, क्या है हे बनाना, या देखिए अब हे बनाने में क्या होता है, हे बनाने के लिए रिजका, बरसीम, जई और जौ, है ना, क्या क्या है हे बनाने के लिए रिजका, बरसीम, जई और जौ महत्वपूर्ण फसलें हैं। कैसी फसलें हैं, महत्वपूर्ण फसलें हैं। हे में 18% नमी, है ना, कितनी नमी होती है 18% नमी और 80-85% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। हे में 18% नमी और 80-85% शुष्क पदार्थ पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, 18% नमी और 80-85%, वही 80-85 का मतलब समझ लीजिए आप 82 या, है ना, 82 वाला रख लीजिए, क्योंकि 18% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए इसमें। नमी मॉइस्चर इज लेस देन 18%, है ना, मॉइस्चर इज लेस देन 18%, 18% से कम नमी और 80-85% तक शुष्क पदार्थ पाया जाता है, किसमें, हे। चलिए अब देखिए राशन की बात आई, तो एक राशन आता है आपके पास संतुलित राशन, जिसको बैलेंस राशन कहते हैं। देखिए संतुलित राशन वो राशन होता है, समझिए आप बात को, संतुलित राशन वो राशन होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण इत्यादि जो अवयव हैं भोजन के वो एक निश्चित अनुपात में मिले हों, उसी को हम संतुलित राशन कहते हैं। संतुलित राशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस राशन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, है ना, और खनिज लवण एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उसी को हम संतुलित राशन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित राशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। किसान क्या करते हैं, किसानों के पास ये निश्चित अनुपात हो ही नहीं सकता, इसीलिए किसान जो है कपिला पशु आहार या बहुत प्रकार के मार्केट में जो फीड आते हैं उनको खरीदते हैं, क्योंकि उनमें विभिन्न तरीके का जो कंसंट्रेशन होता है दाने का उसको जो है मिलाया जाता है, इसीलिए उसको जो है संतुलित राशन कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, संतुलित राशन। ऐसा भोजन जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्वों को इस अनुपात और मात्रा में उपलब्ध कराता है जो पशु को 24 घंटे तक शक्ति प्रदान करता है। मतलब इन सबका एक ऐसा अनुपात होना चाहिए, एक ऐसा रेशियो होना चाहिए जो पशु को 24 आवर्स तक पावर शक्ति प्रदान कर सके। दिस इज नोन एज बैलेंस राशन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, यानी कि प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन रेशियो फैट जो इनका एक अनुपात है वो निश्चित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है और मिनरल्स ये सभी जो है एक निश्चित अनुपात में हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे बैलेंस राशन, ठीक है, बैलेंस राशन कह देंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है आइडियल राशन। अब देखिए आदर्श राशन इसी को कहते हैं या आइडियल राशन इसी को कहते हैं। देखिए आइडियल राशन वो राशन होता है
जो पशु के शरीर भार के अनुसार दिया जाता है। जैसे कोई पशु है, उसका वजन 500 किलोग्राम, कितना है 500 किलोग्राम है, समझना बात। तो 500 किलोग्राम वजन है या इसका भार है पशु का, तो वजन के अनुसार इसको हम ड्राई मैटर कितना दे सकते हैं, क्योंकि ड्राई मैटर जो होता है डीएम, या इसी को कहते हैं शुष्क पदार्थ। इसी को क्या कहते हैं? शुष्क पदार्थ। ड्राई मैटर को ही हम कह देंगे शुष्क पदार्थ। अब देखिए, शुष्क पदार्थ जो होता है, इसकी एक अगर हम देखें 100 किलोग्राम वजन पर, 100 किलोग्राम वजन पर हम जो है शुष्क पदार्थ 3 किलोग्राम देते हैं। कितना देते हैं? 100 किलोग्राम वजन पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ, ठीक है। तो ये वजन के अनुसार देंगे, 100 किलोग्राम वजन पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ। अब वजन के अनुसार जब शुष्क पदार्थ देंगे तो उसी को हम कह देंगे आइडियल राशन। ऐसे 500 किलोग्राम वजन पर कितना देंगे, तो 100 पर 3 किलोग्राम, तो 5 × 3 यानी 15 किलोग्राम इसको ड्राई मैटर एक दिन में चाहिए। तो जो वजन के अनुसार जो है इसे शुष्क पदार्थ दिया जाता है उसे हम आइडियल राशन कहते हैं, यानी कि जो राशन दिया जाता है, भोजन दिया जाता है वजन के अनुसार, दिस इज नोन एज आइडियल राशन, ठीक है। अगला अगला है मेंटेनेंस राशन। देखिए मेंटेनेंस राशन जो है वो राशन होता है जो न जीने देता है न मरने देता है। जो राशन जो है न जीने दे न मरने दे, उसी को हम कहते हैं मेंटेनेंस राशन। आप विश्वविद्यालयों में जहाँ जहाँ जाएंगे पढ़ने, वहाँ यही स्थिति रहती है ज्यादातर भोजन की, है ना। मेंटेनेंस राशन दिया जाता है, नहीं तो तुम ज्यादा खाओगे तो लड़ाई करोगे जाके बाहर, कैंपस से बाहर, ठीक है। तो वो इस तरीके का राशन देते हैं कि जो न जीने दे न मरने दे, यानी कि केवल जिंदगी चलती रहे, आपका ज्यादा विकास भी नहीं होगा शरीर का और ज्यादा कमजोर भी नहीं होंगे, मतलब जिंदा बने रहे, उसी को मेंटेनेंस राशन कहते हैं। कि ऐसा हो कि मरे नहीं, जिस स्थिति पर है उसी पर बने रहे, दिस इज नॉन एज मेंटेनेंस राशन, या इसी को कहते हैं निर्वाह राशन, यानी कि जीवन निर्वाह। अगर इसको और सही कहना चाहें हम तो जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। कुछ लोग नहीं कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं रह गया, अब तो हमें जीवन किसी तरीके से काटना है रो धो के, तो वही होता है जीवन निर्वाह। और ये जो होता है 1.5 किलोग्राम लगभग दिया जाता है एक वयस्क पशु को, 1.5 किलोग्राम के करीबन जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है, ठीक है। लिखा भी हुआ है जो पशु केवल जीवन निर्वाह के लिए, जो राशन पशु को केवल जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है उसे निर्वाह राशन कहते हैं, यानी कि जिंदगी पूरी करने के लिए दिया जाता है उसे हम निर्वाह राशन की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला है विद्यार्थियों उत्पादक राशन या प्रोडक्शन राशन। देखिए ये विभिन्न उत्पादों के लिए दिया जाता है। जैसे उत्पादन का मतलब है जैसे कोई गाय जो है दूध दे रही है तो ये क्या है, उत्पादन है। कोई भैंस दूध दे रही है, ये भी उत्पादन है। कोई भेड़ ऊन दे रही है, भेड़ को ऊन के लिए, तो ऊन बढ़ानी है इसके लिए। बकरे का मांस, बकरे का क्यों, क्या उत्पादन होगा, बकरे का मांस, तो ये उत्पादन बढ़ाना है इसके लिए जो राशन देंगे। बैल को खेत जोतने के लिए, बैल को क्यों राशन देंगे अतिरिक्त, बैल को खेत जोतने के लिए, है ना, खेत जोतने के लिए। तो ये सब क्या हो गए, ये उत्पादक राशन हो गए जोतने के लिए। अगर बैल को जो अतिरिक्त राशन देंगे वो किसके लिए देंगे, खेत जोतने के लिए। तो ये सब कैसे हो गए, प्रोडक्शन राशन हो गए, उत्पादक राशन हो गए। दुग्ध भेड़ों को ऊन के लिए, बकरे को मांस के लिए, है ना, बैलों को जो है वो कहेंगे हम खेत जोतने के लिए। तो ये सब कैसे राशन हो गए, उत्पादक राशन हुए, इनको प्रोडक्शन राशन कहते हैं। चारे दाने की वह मात्रा जो पशु को विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए दी जाती है उसे उत्पादक राशन कहते हैं। जैसे उत्पादन हो गए इनके द्वारा, ये दुग्ध उत्पादन, भेड़ को ऊन उत्पादन, बकरे को मांस उत्पादन, बैल को खेत जोतने के लिए, तो ये सब उत्पादक राशन हो गए। अगर हम बात यहीं पर करें, जैसे एक 3 किलोग्राम अगर कोई गाय दूध दे रही है, 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर
3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर अगर 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर हम बात करें तो 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन देते हैं। कितना? 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन, ठीक है, कितना देंगे? 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन देंगे 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर। अगर वही बात करें कि 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर, अगर 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन है भैंस का, ये देखिए गाय की स्थिति है, गाय में क्या करेंगे, गाय में 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन, और 2.5 किलोग्राम जो दूध उत्पादन है भैंस का, तो इसको 1 किलोग्राम अतिरिक्त राशन, है ना। तो ये सब क्या है, दूध उत्पादन के अनुसार राशन दिया जा रहा है, इसी को हम कह देंगे प्रोडक्शन राशन, यानी कि उत्पादन राशन, ठीक है, उत्पादन राशन की श्रेणी में ये चला जाएगा। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे अगला है, देखिए लिखा भी हुआ है, गाय भैंस को 1.5 किलोग्राम निर्वाह राशन की आवश्यकता होती है। अगर निर्वाह का मतलब कहें मेंटेनेंस राशन या जीवन निर्वाह राशन, इसी को निर्वाह राशन कहते हैं, ठीक है। निर्वाह राशन का मतलब ऐसा राशन जो जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता है, उसी को निर्वाह राशन या मेंटेनेंस राशन कहते हैं, यानी कि जीवन चलाने के लिए जो राशन दिया जाता है उसी को निर्वाह राशन कहते हैं। अगला है, गाय को 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम राशन देना चाहिए। देखिए अभी हमने बताया था 3 केजी पर गाय को, 3 केजी गाय को कितना, गाय के मिल्क का है ये 3 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम अगर भैंस यही दे रही है तो भैंस के लिए हम देंगे 2.5 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम भैंस, ठीक है। अगर ऐसे ही हमारा प्रश्न अगर कहीं पूछ दिया जाए कि यदि कोई गाय भैंस जो है 12 लीटर दूध दे रही है, यदि कोई भैंस 12 लीटर दूध दे रही है तो कितने राशन की आवश्यकता है अतिरिक्त, तो 12 लीटर अगर भैंस दूध दे रही है तो 2.5 के हिसाब से हम लगा लेंगे 4 किलोग्राम 10 किलो में हो गया, और यानी कि 4 के नहीं मान लें 5 किलोग्राम लगता, या 5 किलोग्राम या कह दें कि 4 किलोग्राम 66 ग्राम, है ना, 4.6 ग्राम राशन, ये आ गया आपके इसके लिए भैंस के लिए। अगर 12 लीटर भैंस दूध दे रही है तो 4.66 किलोग्राम अतिरिक्त राशन यानी कि दाना उसे अतिरिक्त देना चाहिए, ठीक है। शरीर भार का जो दे रहे हैं वो तो देना ही पड़ेगा, उसके अलावा मेंटेनेंस शरीर भार जो है वो तो एक में जुड़ जाएगा, लेकिन ये दुग्ध उत्पादन वाला अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना राशन इसको जो है दे देंगे। चलिए आगे, इसके बाद आता है देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना राशन इसको जो है हम दे देते हैं। चलिए आगे, इसके बाद आता है देखिए लिखा हुआ है, भैंस को 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम राशन देना चाहिए। अगर भैंस की बात करते हैं तो 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम अतिरिक्त 3 किलोग्राम देंगे, कितने पर, 100 किलोग्राम वजन पर भूसा कितना देंगे, 3 किलोग्राम देंगे, ठीक है। तो 100 किलोग्राम वजन पर डायमीटर जो होना चाहिए 3 किलोग्राम, यानी कि अब हम अगर तो 4 की 12 किलो भूसा खा जाएगी, 12 किलो भूसा एक दिन में नहीं खा पाएगी गाय, क्या आराम से खा जाएगी 12 किलो भूसा, ठीक है। तो यही होता है ड्राई वेट, ठीक है। तो 100 किलोग्राम भार पर अगर ऐसे कहने कि हम 400 केजी की गाय है या भैंस है तो उसे कितना होना चाहिए, 4 की 12 किलोग्राम डायमीटर हमें देना पड़ेगा, ठीक है, 4 की 12 किलोग्राम डायमीटर देना पड़ेगा। चलिए आगे, अगला बैलों को कार्य के अनुसार राशन। अब देखिए बैलों को भी राशन दिया जाता है उनके कार्य के अनुसार, जैसा कार्य करेगा बैल वैसे उसको राशन देंगे। जैसे कोई बैल जो है कम कार्य करता है, कोई मध्यम कार्य करता है, कोई अधिक कार्य करता है। तो अगर देखें हल्का कार्य, हल्का कार्य का मतलब 4 घंटे कार्य करने वाले बैल को
1 किलोग्राम दाना देना चाहिए, जो 4 घंटा काम कर रहा है। अगर यही दूसरी बात करें तो 4 से 6 घंटा कार्य करने वाले बैल को 1.5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन देते हैं। 4 से 6, देखिए अभी 4 घंटा कर रहा था, 4 घंटा कोई कर रहा था तो 4 घंटा पर हम उसको जो है 1 केजी देंगे। 4 घंटा काम का मतलब खेत जोत रहा है या कुछ भी कर रहा है, 4 घंटा। अगर 4 से 6 घंटा कर रहा है तो उसको जो है हम 1.5 किलोग्राम देंगे। कितना देंगे? 1.5 किलोग्राम। और वहीं 6 से 8 घंटा कर रहा है तो उसको हम 2 किलोग्राम देंगे। कितना देंगे? 2 किलोग्राम। ये सभी आपको डेटा याद रखना है। अगर 4 घंटा कर रहा है तो 1 किलोग्राम, 4 से 6 घंटा कर रहा है तो 1.5 किलोग्राम, 6 से 8 घंटा कर रहा है तो 2 किलोग्राम अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है बैल के लिए। आगे अगला है, 6 से 8 घंटा कार्य करने वाले बैल को 2 किलोग्राम अतिरिक्त राशन। देखिए आ गया वही बताया था जो हमने। चलिए आगे देखते हैं। 1 वर्ष में 80 से 90 गायों को गाभिन या गर्भित करने के लिए सांड को 2.5 किलोग्राम अतिरिक्त राशन डेली देते हैं। ठीक है, यदि किसी सांड से उत्पादन लेना है यानी कि 80 से 90 गायों को गर्भित कराना है तो हम क्या करेंगे? 2.5 केजी अतिरिक्त राशन जो है पर डे यानी कि प्रतिदिन देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीके का उत्पादन है। ठीक है, तो ये उत्पादन अगर लेना है तो इतना राशन उनको देना पड़ेगा। अगला है, घी में शुष्क पदार्थ 90% तथा साइलेज में शुष्क पदार्थ जो होता है ड्राई मैटर 30% होता है ना। घी में वैसे भी ड्राई मैटर अधिक होता है ना, क्योंकि मॉइस्चर कम होती है और साइलेज में जो है ड्राई मैटर कम होता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पशुओं को चारा खिलाते समय सूखा और हरे चारे का अनुपात जो होता है, जैसे सूखा वो अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पशुओं को चारा खिलाते समय सूखा और हरे चारे का अनुपात जो होता है, जैसे सूखा और हरा, ये भी अनुपात है, जैसे सूखा चारा है, सूखा अनुपात हरा, ये दोनों चारे हैं तो 1 भाग सूखा देंगे तो 2 भाग हरा देंगे अगर उपलब्ध है तो, है ना। अगर हरा चारा जिस समय उपलब्ध होता है उस समय सूखा चारा 1 भाग दिया जाता है और 2 भाग जो है हरा चारा दिया जाता है। अगर साइलेज खिलानी हो तो साइलेज की भी यही मात्रा रखते हैं, अगर 1:1 में भी साइलेज को दे सकते हैं। डेयरी फार्म के आवश्यक भवन, ठीक है, तो डेयरी फार्म के भवन के विषय में पहले हम बात करेंगे। पहले हम आपको एक डेयरी फार्म दिखा देते हैं। हाई टेक्निक वाला डेयरी फार्म दिखा रहे हैं, थोड़ा कम वाला हो तो चलेगा भारत में, ज्यादा हाई टेक्निक नहीं चलेगा, है ना, विदेशों की टेक्नोलॉजी गया है। ये देखिए, चाहे देखिए, ये कैल टू कैल मेथड है, ये पूंछ से पूंछ विधि वाला जो है डेयरी फार्म है। देखिए इसमें जो है घूम रहा है, ये सबसे उत्तम मेथड होता है गायों को बांधने का, पूंछ से पूंछ की विधि, है ना। एक होती है माउथ टू माउथ मेथड, एक होता है टेल टू टेल मेथड। अब देखिए पूंछ से पूंछ वाली विधि है, ये देखिए इधर साइड गायें बनी है, इधर साइड कुछ बैठी है कुछ बनी है और बीच में जो है रास्ता खाली है, उसमें ये स्वच्छंद विचरण कर रहा है इनका बच्चा, है ना जी। हमें लग रहा भैंस का बच्चा आ गया गाय वाले को, है ना, या गाय का ही हो। तो ये देखिए निकलने के लिए स्थान है, इधर उधर जो है चारा का स्थान है ना, और इधर उधर गाय जो है देख भी सकती है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है,
ठीक है। तो ये जो है टेल टू टेल का मेथड है, हम आपको ऐसे ही बना के दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देखिए डेयरी फार्म बना होता है। जैसे हम बात करें उत्तर और दक्षिण की दिशा में, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ठीक है। सन इधर से राइज करेगा, ईस्ट से करेगा और वेस्ट की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से जब सूरज जाएगा तो क्या होगा कि इधर साइड पे भी जो है दीवारें हैं और उसमें छेद हैं, तो सनलाइट अंदर पहुंचेगी डेयरी फार्म पर। जब सूर्य जो है डाउन होगा उस समय भी सनलाइट पहुंचेगी, और जब करीबन 1 बजे के करीबन जब हाई इंटेंसिटी, तो ये देखिए इसका द्वार होता है डेयरी फार्म का, ये द्वार है या मेन गेट है, इसी को कह सकते हैं मेन गेट, है ना। अब इससे जो है अंदर हम जाएंगे, अब इसमें लास्ट में जो होता है डेयरी फार्म में, ये देखिए यहाँ पर जो स्थान बचाया जाता है ये कलिंग एनिमल्स का किया जाता है। कलिंग का मतलब है जिनको निकाल दिया गया है ना, या जो बीमार है, या इसी में कह सकते हैं बीमार पशुओं का स्थान। अब देखिए बीमार पशुओं का स्थान यहाँ क्यों बनाया गया है, क्योंकि देखिए भारत में ज्यादातर हवाएं जो है साउथ और ईस्ट से चलती हैं। देखिए इस तरीके से चलेंगी जब साउथ और ईस्ट से, तो 75% हवाएं जो है 75% हवाएं साउथ और ईस्ट से जब चलेंगी, जब इधर से हवाएं जाएंगी तो ऐसी जाएंगी ना, ऐसी जाएंगी, तो क्या होगा ये कलिंग एनिमल्स हैं, इनकी जो हवाएं हैं वो डेयरी फार्म में अंदर नहीं आ पाएंगी, यहीं से इनकी सांसें डेयरी फार्म से बाहर चली जाएंगी। अगर इनको हम यहाँ पर रख देते विद्यार्थियों, कलिंग वालों को या बीमार को, अगर बीमार को यहाँ रख देते तो अंदर हमारे सारे जानवर क्या होते, इन्फेक्टेड हो जाते बीजी से, क्या हो जाते, इन्फेक्टेड हो जाते। तो इसीलिए इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल लास्ट में बीमार पशुओं का स्थान हमने दे दिया, शुरू में नहीं दिया, है ना। बीच में इस तरीके से हमको डेयरी फार्म बनाना पड़ता है, देखिए किस तरीके से बनाना पड़ता है अभी हम दिखा रहे हैं आपको, है ना। देखिए कैसे बनाना, ये देखिए अब यहाँ पर कलिंग एनिमल्स थे। अब इसके बाद देखिए एक पार्ट हमने इधर से ऐसा बना दिया ये, अब इसमें डबल पंक्ति की विधि या सिंगल पंक्ति की विधि जो भी आप रखना चाहें पशुओं को रख सकते हैं। एक इधर जो होती है ये मिल्च ब्रीड यहाँ पर रहती है सभी, जो दूध दे रहे हैं मिल्च है या मिल्च पशु है, मिल्च एनिमल्स है जो दूध देने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर चारा वारा या पानी वानी की व्यवस्थाएं रहती हैं, या इसके बच्चे यहीं पर रहते हैं, ये बच्चे यहाँ पर रखने का स्थान होता है। यहाँ पर जो है ड्राफ्ट एनिमल रखे जाते हैं, ड्राफ्ट या ड्राफ्ट का मतलब कहें या दुग्ध नहीं जो दे रहे हैं।